ज्योतिष आचार्य जी, क्या वास्तव में मांगलिक कन्या या फिर वर जो होते हैं, मांगलिक दोष होते हैं जिनकी कुंडली में, उनकी पेड़ों की पूजा कराने से पेड़ों की मृत्यु हो जाती है, सही तथ्य क्या है? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। लड़का हो या लड़की हो, किसी की कुंडली में यदि मांगलिक दोष होता है तो मांगलिक दोष जो है वह मांगलिक दोष का परिहार करने के बाद ही विवाह करना चाहिए, जिससे पूरा जीवन सुखमय रहता है। तो मांगलिक दोष का परिहार के लिए या उस दोष से मुक्ति के लिए सिर्फ पेड़ से ही विवाह नहीं किया जाता है, उसका बहुत विधि है। जप इत्यादि, पूजा इत्यादि से भी मांगलिक दोष काटा जा सकता है। और विशेषतः जो है मांगलिक दोष के लिए कुंभ विवाह, वृक्ष विवाह ये प्रमाणित है। लेकिन यहाँ सवाल होता है कि विवाह के बाद क्या वह वृक्ष मर जाता है? ऐसा कहीं कोई प्रमाण नहीं है, न ही आज तक ऐसा देखा गया है कि मांगलिक दोष परिहार के लिए जिस वृक्ष से विवाह हुआ है वह वृक्ष मर गया है। हम लोग जो है इसका जब भी कराते हैं, ऐसा कहीं कोई न तथ्य है, न प्रमाण है, न मृत्यु हुई है। वृक्ष की मृत्यु नहीं होती है और मरने का कोई कारण भी हमारा शास्त्र नहीं बतलाता है। इसलिए विवाह के पश्चात वह वृक्ष का कुछ भी नहीं हो सकता है। रही बात यदि आप वृक्ष विवाह करते हैं, ऐसे भी जब लड़का विवाह करने जाता है तो सबसे पहले हमारे हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म में वृक्ष से विवाह होता है। सर्वप्रथम वह जब मोर पहनता है, शहरा पहनता है, तो सबसे पहले आम, महुआ इत्यादि का पूजा करता है, विवाह करता है। सबसे पहले वह सिंदूर जो है वह वृक्ष में डालता है, ऐसी हमारी परंपरा है। और जब सिंदूर डाला जाता है तो एक तरह से वह विवाह ही है, लेकिन आज तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि वह वृक्ष मर गया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन शास्त्र में या कुंडली में यदि मंगल दोष है तो उसका परिहार करने के बाद ही विवाह करना श्रेयस्कर होता है।